तो भाई लोग, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है उदय और आप लोगों का स्वागत करता हूँ टैग बाय उदय यूट्यूब चैनल में। तो भाई, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, आज के इस वीडियो में आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो भाई, वो न्यूज़ होने वाली है पबजी अनबैन के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। छोटा सा काम है ये, आप लोग इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। एंड गाइस, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी इनसाइड ई स्पोर्ट्स ने, जो कि इनसाइड स्पोर्ट्स है, उसने एक पोस्ट डाली थी जो कि थी कि पबजी परमानेंट बैन इन इंडिया, मिनिस्ट्री सोर्सेस। तो गाइस, एक तरह से वो न्यूज़ सही भी हो सकती है, बिकॉज ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से इनसाइड स्पोर्ट्स एक लेजेड वेबसाइट है जो कि रियली न्यूज़ डालती है, और एक वेरीफाइड वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई की गई है। एंड गाइस, उनका न्यूज़ रियल रहता है पूरा, जैसे कि अदर न्यूज़ चैनल्स रहते हैं जो कि वेरीफाइड रहते हैं वो रियल न्यूज़ डालते हैं, वैसे ही ए भी रियल न्यूज़ डालते हैं। बट इट्स अ र्यूमर, इट्स अ र्यूमर, इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट। ओके, और एक और न्यूज़ जैसी आ रही है कि PMPL इंडियन टीम्स को खेलने के लिए मना कर दिया है सीज़न 2, बिकॉज अभी तक पबजी अनबैन नहीं हुआ है और इससे यार डिले नहीं कर सकते हैं PMPL सीज़न 2 को। तो भाई, सीधा कहूँगा यार, PMPL सीज़न 2 जा रहा है, उसके बाद अपना जो कि इंडियन जो कि पबजी अलग से बन रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैं सिंपली बता दूं, जैसे गेम फॉर पीस है चाइना के लिए अलग से, एक पबजी अलग से बनाया गया है चाइना के लिए, जिसके अंदर क्या जो गाइडलाइंस है उनकी गवर्नमेंट की, कि तो जैसे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी कुछ शर्तें रखी थी पबजी वालों के सामने, जैसे कि वो लोग जो कि फायरिंग वगैरह का रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, कलर्स रहते हैं, रेड कलर के ब्लड निकलता है एंड करंट का ब्लड होता है, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को ना बंद करने के लिए बोला था चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। एज़ वेल एज़ इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट लाइक दिस, वो लोग भी एक इंडियन पबजी मतलब बन जाए, इंडियन एक इंडिविजुअल होना चाहिए उसके साथ अपना, जो कि उसके अंदर कोई भी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी तरह से मिसलीड नहीं होना चाहिए बच्चे जो कि आजकल पढ़ रहे हैं सबके सब, जो कि इंडिया की यूथ है वो पबजी के अंदर लग रही है, तो उससे जो कि गलत हो रहा है। सो सिंपली उनका यही कहना है कि इंडिया की जो कि बच्चे हैं वो भी मिसलीड ना हो किसी गलत तरह से, क्योंकि आप लोग देखते हो सुसाइड कर रहे हैं लोग वाग, एंड पागल हो गए एक दो ऐसे गन वन लेके घूमते रहते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग, एंड ये चाइना मिसलीड कर रहा था। बट अब जो कंडीशंस रखी गई हैं पबजी कॉरपोरेशन के ऊपर, जो कि साउथ कोरिया की है, वो लोग ये सारा फॉलो कर रहे हैं एंड जियो के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। तो गाइस, ये रियल न्यूज़ है, जियो के साथ पार्टनरशिप हो रही है पबजी मोबाइल की। एंड गाइस, इट्स ऑन बेस टू, मतलब उसके बहुत आगे पहुंच गए हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा स्टेज पर, कि रेवेन्यू शेयर कितना होगा, ये सब कितना होगा, ये सब चीज़ें की अभी बात चल रही हैं। आप लोग को अगर कंफर्म नहीं है तो आप लोग इंडिया टाइम्स डॉट कॉम पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है, उसका जो कि आप लोग जो जो उसका पैराग्राफ है उसमें चेक कर सकते हो। तो चलो फिर, ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।